हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, एक और आईपीओ आने वाला है और कल ये ओपन होने वाला है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूजन है कि हम किस में अप्लाई करें। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो के द्वारा दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझाने वाला हूँ किस आईपीओ में अप्लाई करना है, और कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ क्राफ्ट्समैन आईपीओ से रिलेटेड, जो आपको जानने के बाद दोस्तों आप हो सकता है अपना डिसीजन यहाँ पर ले लो। लास्ट में आपको बताऊंगा अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, वैल्यूएशन के बेसिस पे, फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, और यहाँ पर थोड़े बहुत और पैरामीटर्स हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, और आपके क्या थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं इसके बारे में, आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही दोस्तों हमारा मोटिवेशन बनाए रखेगा, ताकि हम आपके यहाँ पर जो है इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट हमेशा लाते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और आपको यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा जिनके बेसिस पे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो डेट को इसको इनको रिपे करना है। देखिए 985 करोड़, करीब करीब 1000 करोड़ का यहाँ पर डेट है इनके पास, जिसमें से ओनली 12% डेट दोस्तों रिपेड कर रहे हैं, रिपेमेंट कर रहे हैं, बाकी का दोस्तों यहाँ पर ओपन रहेगा। तो समझ सकते हैं आप, 985 में से 120 करोड़, करीब करीब 12% का जो है ये रिपेमेंट करेंगे, बाकी ओपन रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये नेगेटिव वे में जा सकता है इसके लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस इशू का जो है ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस अब देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बिलो सेगमेंट्स, ऑटोमोटिव, पावर ट्रेन एंड अदर कंपोनेंट्स, जो कि इसका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है, ऑटोमोटिव, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स, डाई कास्टिंग मशीन्स टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है। देखिए गियर बॉक्सेस, शीट मेटल फैब्रिकेशंस, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन, स्टोरेज सॉल्यूशंस फॉर एफएमसीजी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड कराती है, डिजाइन, इंजीनियर एंड मैन्युफैक्चर, फाउंड्री, फैब्रिकेशन, मशीनिंग, असेंबली फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज ऑफ मरीन इंजन एंड कंपोनेंट्स विद हेल्प ऑफ सब्सिडरी इन यूरोप। तो ये इसका बिजनेस है, और ये कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है और कौन कौन से यहाँ पर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है, ये इसकी डिटेल है। बात करें आगे इसकी, देखिए ये ऑटोमोबाइल, इंडियन ऑटोमोबाइल सेल्स मार्केट कितना ग्रो हो सकता है। देखिए, एक्सपेक्टेड टू ग्रो CAGR 5% और लोअर देन इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 4 ईयर्स में ऑटोमोबाइल मार्केट जो है इतना ग्रो हो सकता है। और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, जो एंसिलरीज होती है, वो करीब करीब 6 से 8% की दर से ग्रो हो सकती है। सेगमेंट्स जहाँ पर क्राफ्टमैन ऑटोमेशन काम करती है, वो करीब करीब लेस देन 8% और लोअर यहाँ पर कंपनी और इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, और जिस सेगमेंट में ये काम करती है वो यहाँ पर 8% के आसपास ग्रो कर सकती है। पावर ट्रेन कस्टमर्स इनके कौन कौन है, देखिए डायमलर, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेफे, जॉन डियर, बड़े बड़े नाम हैं। एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स की बात करें, कस्टमर देखिए डायमलर, टीवीएस, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, टॉप 10 कस्टमर्स है दोस्तों यहाँ पर 50% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस 7 सिटीज। 5% ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम स्टोरेज सॉल्यूशन व्हिच वर मेड पॉसिबल बाय द न्यू यूनिट इन पुणे बिल्ट इन 2019। अब इनका रेवेन्यू स्प्लिट हम देखें तो देखिए, ऑटोमोटिव पावर ट्रेन जो इनका मेन रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है, ये वाला सेगमेंट है, 50% रेवेन्यू आता है। ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से 20%, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से 30%, आउट ऑफ टोटल सेल्स 89% इज फ्रॉम डोमेस्टिक एंड 11% इनका जो है एक्सपोर्ट से आता है, ऑटोमोटिव पावर ट्रेन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से। फ्री कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का और इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। करंट एंड क्विक रेशियो लेस है, और यहाँ पर एक वरी की बात है, ये ROE ROC यहाँ पर डिसेंट है, जो कि स्टेबिलिटी शो करता है। तो ये कंपनी से जुड़े हुए उसका रेवेन्यू स्प्लिट आप देख सकते हैं, और कंपनी के जो सेगमेंट्स में काम करती है, कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, यहाँ पर हमको पता चल रहा है। अब यहाँ पर लिटिगेशन की बात करें तो देखिए, स्मॉल लैंड केस इनका एक डिस्प्यूट है जिसपे पेंडिंग पड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग स्टैम्प ड्यूटी फी है, फेलियर इन प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉई, 19.3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यू है इनके पास, 300 करोड़ आउटस्टैंडिंग टू मटेरियल अदर क्रेडिटर्स। तो ये कुछ लिटिगेशंस हैं, और बाकी दोस्तों सारी डिटेल आपको इनके DRHP में मिल जाएगी। तो ये उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको एक इनसाइट मिल पाए। फाइनेंशियल्स की बात करें, देखिए एसेट्स यहाँ पर 2000 करोड़ थे 18 में, FY18 में, देन 19 में 2300 करोड़ के आसपास हुए, फिर थोड़ा सा यहाँ पर एसेट्स कम हुए, देन यहाँ पर 6 मंथ बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 2246 करोड़ के आसपास है। टोटल रेवेन्यू हम देखेंगे तो 1522 करोड़, फिर 1800, फिर यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू, असेट्स भी कम हुए थे, रेवेन्यू भी कम हुआ है, और यहाँ पर रेवेन्यू फिर से 6 महीने बाद डिसेंट वापस से यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 करोड़, देन यहाँ पर जंप हुई 97 करोड़, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ इस साल में, 31 मार्च 2020 में इनके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर आप देखिए मार्च 20 में 41 करोड़ था, फिर यहाँ पर दिसंबर 20 में 50 करोड़, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई। तो ओवरऑल देखेंगे तो फाइनेंशियल दोस्तों ठीक ठाक है, लेकिन इतने ज़्यादा भी यहाँ पर
कमेंडेबल नहीं है जिस पे हम आग बंद करके जो है इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पर जो है फाइनेंशियल्स है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री दोस्तों आपको पता है काफी एक प्रेशर में चल रही है कई टाइम से। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, तो ऑटो के साथ साथ जो ये ऑटो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है इनमें भी आपको थोड़ा यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो ठीक ठाक यहाँ पर फाइनेंशियल्स है। वैल्यूएशंस की बात करें जो कि मेन है, तो इसका कंपनी दोस्तों 25 के ईपीएस पे FY 2021 के 9th मंथ एंडेड के इसका जो है ईपीएस 25 का है उस पे दोस्तों 1490 के प्राइस पे ये करीब करीब 59 का पी इसका आ रहा है, और इंडस्ट्री का पी 35 है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्री की पी से कंपनी थोड़े से यहाँ पर ओवर वैल्यूड लग रही है, तो अगर 1000 या फिर 1100 के आसपास भी दोस्तों कंपनी का इश्यू प्राइस होता तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने लायक होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है महंगे इसके वैल्यूएशंस। आईपीओ की डिटेल्स हम जान लेते हैं, कल ओपन हो रहा है दोस्तों, 17 को क्लोजिंग हो जाएगी और ₹5 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है, और देखिए यहाँ पर आईपीओ प्राइस रखा गया है 1490 का जो कि कट ऑफ प्राइस है, और लोअर प्राइस बैंड है 1488 का। 10 शेयर्स का लॉट होगा, बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा, 823 करोड़ का इशू साइज है जिसमें से 150 करोड़ है ओनली फ्रेश इशू, बाकी देखिए सारा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है जो प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और ये डिटेल्स आपको पता ही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए रिफंड्स एंड क्रेडिट्स ऑफ डीमेट में कब आएंगे, लास्ट इसकी 25 तारीख को लिस्टिंग डेट है, लेकिन हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कल ओपन हो रहा है और 17 तक हमारे पास टाइम है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। और रिटेल का दोस्तों यहाँ पर जो है पोर्शन रखा गया है 35% रखा गया है, तो यहाँ पर अच्छा खासा साइज है रिटेल के लिए भी, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अभी बात करेंगे अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात, पैसा हमारे पास लिमिटेड है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आ रहा है, नजारा टेक्नोलॉजीज आ रहा है, और एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है, शायद सूर्योदय आ रहा है, तो यहाँ पर पैसा लिमिटेड है, किसमें आप अप्लाई करना चाहेंगे? देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मुझे काफ़ी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है उसका, जिस प्रकार की ये इंडस्ट्री को बिलोंग करता है स्पेशलिटी केमिकल और एग्रोकेमिकल स्पेस से, 70% के आसपास उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पर एक अप्लाई का कैंडिडेट है। एंड नजारा टेक्नोलॉजीज के बारे में दोस्तों मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ क्या गजब का इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है नजारा टेक्नोलॉजीज वाला तो दोस्तों वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और इस आईपीओ में तो डेफिनेटली अप्लाई करना है नजारा टेक्नोलॉजीज में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी काफी बढ़िया है। तो बचा क्राफ्ट्समैन, तो मेरी तरफ से दोस्तों क्राफ्ट्समैन थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड कैटेगरी में है। सबसे पहली बात, ये एक तो इंडस्ट्री के पीए से महंगे वैल्यूएशंस में आ रहा है, ठीक है, और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है ऑथेंटिक, अभी यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आया है, और लगता है मुझे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 20%, 10%, 15% के आसपास इसका प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है फंडिंग ज्यादातर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और नजारा में आने वाला है, पैसा यहाँ पर कोई ब्लॉक करना नहीं चाहेगा, तो उस हिसाब से मेरी तरफ से अभी क्राफ्ट्समैन अवॉइड है। ऑटो ऑटोज की हम बात करें, ऑटो एंसिलरी और जिस प्रकार के इंजीनियरिंग सोल्यूशन में इससे बेहतरीन कंपनी सस्ते पीई पे अवेलेबल है, एग्जाम्पल एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जमुना ऑटो, भारत फोर्ज। भारत फोर्ज थोड़ी फोर्ज शायद थोड़ा सा यहाँ पर महंगे वैल्यूएशंस पे है, लेकिन महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव जो इसके पीयर है लिस्टेड स्पेस में और भी है दोस्तों काफ़ी है, तो ये इनसे सस्ते पीई पे अवेलेबल है ये कंपनीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज बहुत बेहतरीन कंपनीज है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनीज अच्छी है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन हालांकि अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी इसके दोस्तों वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं, 1490 पे। हो सकता है अगर ये 1100 हजार के आसपास दोस्तों ये कंपनी मिल गई तब जाकर यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको मिल सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे ये महंगी लग रही है, तो मेरी तरफ से अभी के लिए अवॉइड है। बाकी आप अपना पैसा डेफिनेटली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और नजारा टेक्नोलॉजीज में लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस, आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।